हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक करने जा रहे हैं। बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम किसे कहते हैं, जिस कोलिजन में कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक साथ मूव करनी शुरू हो जाए, एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो आफ्टर कोलिजन, तो हम उस कोलिजन को नाम देते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसमें हमेशा जीरो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसमें जीरो होगी, ओके। अब हमने देखना है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आया, उसके लिए हमें सबसे पहले बेटा इस वी की वैल्यू चाहिए कि ये दोनों बॉडीज एक साथ किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। बेटा इसके लिए हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा कोई भी कोलिजन हो लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कोई भी कोलिजन हो लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। सो बेटा लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है बेटा। अब कोलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना है, कोलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम m1u1 + m2u2, और आफ्टर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम बेटा, बेटा दोनों बॉडीज एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, सो m1 + m2 × v। कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक ही वेलोसिटी के साथ बेटा मूव कर रही हैं, सो आफ्टर कोलिजन हम मोमेंटम कितना लिखेंगे, m1 + m2 × v। सो बेटा यहां से मेरी v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई m1u1 + m2u2 / m1 + m2। आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं उसका एक्सप्रेशन बेटा m1u1 + m2u2 / m1 + m2, ठीक है बेटा। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है इनिशियल, बेटा इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी सिंगल बॉडी की, नहीं बेटा दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने लगे हैं बिफोर कोलिजन, जिसे हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी सिस्टम की होगी हाफ m1u1 + 1/2 m2u2 / 2, ठीक है बेटा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा सिस्टम की, बेटा दोनों बॉडीज एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, हाफ m1 + m2 × v² बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की। और अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का हमेशा लॉस होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी काइनेटिक एनर्जी अगर कम हुई है तो इनिशियल की वैल्यू ज्यादा हुई और फाइनल की वैल्यू कम हुई। सो लॉस कैलकुलेट करने का तरीका बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस कर देंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। सो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 + 1/2 m2u2 / 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारी माइनस हाफ m1 + m2 × v², ठीक है बेटा। ये सिस्टम की बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा v का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आया था, हमारे पास v का एक्सप्रेशन आया था m1u1 + m2u2 / m1 + m2। बेटा v की ये वाली वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ m1u1 + 1/2 m2u2 / 2 - हाफ m1 + m2
इंटू वी स्क्वायर, बेटा वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर। बेटा एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर, बेटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और पूरी इक्वेशन में से हम हाफ को कॉमन निकाल सकते हैं, हाफ हमने कॉमन निकाल लिया, जब बेटा हमने हाफ को कॉमन निकाला हमारे पास ब्रैकेट में आ गया एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस एम टू यू टू का स्क्वायर माइनस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। एम वन यू वन का स्क्वायर बेटा प्लस एम टू यू टू का स्क्वायर माइनस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है बेटा। अब एलसीएम क्या आएगा हमारा, वन बाय टू तो बेटा ब्रैकेट से बाहर चला गया, एलसीएम आएगा बेटा हमारा एम वन प्लस एम टू। अब बेटा एम वन प्लस एम टू तो सिर्फ इसके नीचे था, इसके नीचे क्या है वन, इसके नीचे क्या है वन, इसका मतलब बेटा इस एम वन प्लस एम टू को हम एम वन यू वन के स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और एम वन प्लस एम टू को एम टू यू टू के स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो एम वन यू वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम टू यू टू का स्क्वायर इंटू एम वन प्लस एम टू, ठीक है बेटा। और इस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू के स्क्वायर को ओपन कर देंगे बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर यू टू स्क्वायर बेटा माइनस टू एम वन एम टू यू वन इंटू यू टू, ठीक है बेटा। बेटा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू का होल स्क्वायर ओपन किया, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू का होल स्क्वायर ओपन किया, एम वन स्क्वायर यू वन का स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर यू टू का स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू यू वन यू टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, क्लियर बेटा। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद बेटा इस स्टेप को देखो, बेटा वन बाय टू कॉमन और एम वन प्लस एम टू इसको भी हमने ब्रैकेट में से बाहर निकाल लिया, एम वन यू वन के स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एम वन के साथ, एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर, एम वन यू वन के स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एम टू के साथ, सो प्लस एम वन एम टू इंटू यू वन का स्क्वायर, क्लियर बेटा। एम टू यू टू के स्क्वायर को एम वन के साथ मल्टीप्लाई किया, एम वन एम टू यू टू का स्क्वायर बेटा, एम टू यू टू के स्क्वायर को बेटा एम टू के साथ मल्टीप्लाई किया, एम टू का स्क्वायर यू टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर यू टू स्क्वायर, बेटा यहां स्क्वायर था, माइनस टू एम वन एम टू नीचे लिख देता हूं बेटा, माइनस टू एम वन एम टू यू वन यू टू, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, एम टू यू टू का स्क्वायर माइनस एम टू यू टू का स्क्वायर कैंसल, एम वन स्क्वायर यू वन का स्क्वायर, एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर बेटा कैंसल, ये दोनों टर्म कैंसल हो गई, एम वन एम टू एम वन एम टू एम वन एम टू बेटा कॉमन निकल रहे हैं, कॉमन निकाल दो, सो वन बाय टू लॉस इज इक्वल्स टू 1 बाय टू एम वन इंटू एम टू डिवाइड में बेटा एम वन प्लस एम टू, बेटा ऊपर ब्रैकेट में रह गया यू वन का स्क्वायर प्लस यू टू का स्क्वायर माइनस टू यू वन यू टू, ठीक है बेटा, यू वन का स्क्वायर प्लस यू टू का स्क्वायर माइनस टू यू वन यू टू, बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो बेटा इसको हम लिख सकते हैं लॉस इज इक्वल्स टू 1 बाय टू
एम वन इंटू एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर डिवाइड में एम वन प्लस एम टू, डिवाइड में बेटा एम वन प्लस एम टू, बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 बाय 2 इंटू एम वन एम टू यू वन माइनस यू टू का बेटा होल स्क्वायर डिवाइड में एम वन प्लस एम टू, क्लियर बेटा। अब बेटा इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं हम, बेटा स्पेशल केसेस में देखो, स्पेशल केसेस में नंबर वन, अगर बेटा टारगेट बॉडी जिसको हम बी बॉडी कहते हैं, ए बॉडी जिसका मास एम वन था और बी बॉडी जिसका मास एम टू था, ठीक है, ये यू वन वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, ये यू टू वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, लेकिन अगर ये यू टू जीरो हो, मतलब टारगेट बॉडी जो हमारी टारगेट बॉडी है अगर ये रेस्ट पे हो, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, अगर टारगेट बॉडी बेटा रेस्ट पे है तो यू टू जीरो, अगर U2 को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा, अगर U2 को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, देन बेटा लॉस इज इक्वल टू 1 बाय 2 M1 M2 इनटू U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, देन बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 बाय 2 M1 इनटू M2 इनटू U1 का स्क्वायर डिवाइडेड में M1 प्लस M2, क्लियर बेटा। ये एक केस है। सेकंड केस बेटा सब केस, इसका ही एक सब केस भी है, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो, टारगेट बॉडी रेस्ट पे भी हो और दोनों बॉडीज का मास सेम हो, तब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सो इसका बेटा सब केस क्या, अगर U2 जीरो हो, मतलब टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो और दोनों बॉडीज का मास भी सेम हो, अगर बेटा दोनों बॉडीज का मास सेम है, मतलब M1 और M2 इक्वल है, दोनों का मास M मान लेते हैं, दोनों का मास M मान लेते हैं, सो बेटा लॉस किसके इक्वल होगा, देन बेटा लॉस होगा 1 बाय 2 M स्क्वायर, M इंटू M बेटा M स्क्वायर इंटू U1 का स्क्वायर डिवाइड में बेटा M प्लस M 2M, डिवाइड में बेटा M प्लस M 2M, ओके बेटा, और इस m के साथ इस m का स्क्वायर कैंसिल हो गया। हाँ जी बेटा, तो अभी बेटा हमने स्टडी किया कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होता है अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल कोलिजन्स की, मतलब इन जनरल जितने भी कोलिजन होते हैं ना, दे आर पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक, जिसे हम जनरली कह देते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। सो अगर कोई इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, बेटा जितना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस हुआ, सेम फॉर्मूला लेकिन साथ में आ जाएगा बेटा एक टर्म, वन माइनस ई स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इन इलास्टिक कोलिजन हाफ एम वन एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, बेटा व्हाट इज ई, हेयर ई इज कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और न्यूमेरिकल में अगर हमें कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू गिवन है, हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस क्यों नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस क्यों नहीं होता बेटा, परफेक्टली, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना, हमने पढ़ा था फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बेटा कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, वन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन के इक्वल, सो बेटा वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा बेटा ई की वैल्यू जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू बेटा जीरो, वन माइनस जीरो वन, बेटा सेम वैल्यू आ जाएगी वन हाफ एम वन एम टू इंटू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर डिवाइड में एम वन प्लस एम टू, ओके बेटा। हाँ जी बेटा, बेटा इस क्वेश्चन में देखो, एक बॉडी जिसका मास 0.5 kg है,
इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बेटा 3/2 वेयर a इज इक्वल टू 5 बेटा एक एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5 What is the work done? During its displacement from x is equals to 0 meter to x is equals to 2 meter. बेटा इस क्वेश्चन को करने के तो कितने मेथड हैं? क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है? लेकिन हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ आसानी से कर सकते हैं. बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या सिखाया कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो अगर हमें वर्क डन चाहिए, सिंपल से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है? हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी हो 2 meter और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0 meter. अगर बेटा 0 डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी कितनी होगी एट एक्स इज इक्वल टू 0. बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास कितना गिवन है, a इंटू एक्स की पावर 3/2. सो वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0. इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे था उसकी काइनेटिक एनर्जी 0. अब जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 मीटर पे है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए. सो वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू a x की पावर 3/2. बेटा a कितना है 5, x की वैल्यू बेटा 2 और 2 की पावर बेटा 3/2. 2 की पावर 3/2 मतलब बेटा 2 का क्यूब करेंगे और फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे. 5 इंटू 2 का क्यूब कर दिया बेटा और फिर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, ठीक है? सो बेटा ये आया 5 2 10, एक पेयर में एक 2 बाहर आएगा. 5 इंटू 2 अंडर रूट 2 बेटा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. जब पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे था उसकी वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड. तो बेटा अब काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं फाइनल. हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 0. बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है? और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 10√2. मास कितना गिवन था बेटा 0.5. सो वर्क डन होगा हाफ, मास की वैल्यू बेटा 0.5, 1/2. 0.5 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं. बेटा ऊपर लिख देता हूं. सो बेटा हमारा वर्क डन कितना आया, हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी 0.5. बेटा 0.5 को भी हम 1/2 ले लें. और v का स्क्वायर बेटा 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर. बेटा अब 10√2 का स्क्वायर करें, 100 इंटू 2 डिवाइड में बेटा कितना है 4, दैट इज 50 जाओ. सो बेटा वर्क डन आया हमारा 50 जाओ. हमारे वर्क डन की वैल्यू आई 50 जाओ. बेटा अगर बॉडी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर इस तरह से डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो, v इज इक्वल टू ax की पावर 3/2. सो हमेशा वेलोसिटी देख लो x इज इक्वल टू 0 पर फाइनल पोजीशन पर 2 मीटर पर, ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सर का क्वेश्चन नंबर 23. बेटा इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक फैमिली की पावर की रिक्वायरमेंट है 8 किलोवाट, मतलब 8000 वाट. अब सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है किस रेट से, 200 वाट पर यूनिट एरिया. मतलब दिस इज द रेट ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया हमें गिवन है 200 वाट. जितनी सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है बेटा उसका सिर्फ 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. जितनी सोलर एनर्जी इंसिडेंट हुई, सन से जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसका सिर्फ 20% कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो अगर 8000 वाट एनर्जी चाहिए, 8000 वाट एनर्जी पर यूनिट टाइम चाहिए, तो कितना एरिया रूफ का रिक्वायर्ड है, तो कितना एरिया रूफ का रिक्वायर्ड है, ठीक है? सो बेटा अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है सिर्फ इसका 20%, सो बेटा इसका 20% पहले निकाल लेते हैं. 20% ऑफ 200 वॉट, 20% ऑफ 200 वॉट. सो बेटा इसका 20% मतलब 20/100 into 200, ठीक है बेटा, दैट इज 40 वॉट.
मतलब सोलर एनर्जी जितनी इंसिडेंट हुई उसका सिर्फ 40 वॉट पावर हमें मिल रही है, अगर यूनिट एरिया कंसीडर करें, अगर यूनिट एरिया कंसीडर करें, ठीक है बेटा। सो दिस इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया हमारे पास कितना आया बेटा, 40 वॉट। अच्छा, हमें पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 8000 वॉट, तो एरिया कितना चाहिए। अच्छा, पावर की रिक्वायरमेंट है बेटा 8000 वॉट और एरिया चाहिए हमें कितना, वो कैलकुलेट करेंगे, हमें कितना एरिया चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पावर पर यूनिट एरिया कितना है, 40 वॉट, ठीक है बेटा। बेटा ये भी वॉट, ये भी वॉट, वॉट के साथ वॉट कैंसिल, ठीक है, हमें तो एरिया चाहिए। सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए 8000 को डिवाइड किसके साथ करेंगे, 40 के साथ। पावर पर यूनिट एरिया की वैल्यू है बेटा 40, हमें कितनी पावर चाहिए, 8000, एरिया हमें नहीं पता, एरिया कैलकुलेट करेंगे, पावर पर यूनिट एरिया 40, 8000 डिवाइडेड बाय एरिया 40 के इक्वल है बेटा। सो एरिया कितना होगा, 8000 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 200। सो एरिया रिक्वायरमेंट है हमारी 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया की रिक्वायरमेंट 200 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखो, अ बुलेट ऑफ मास 0.012 केजी एंड अ हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 0.4 केजी, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 0.4 केजी एंड इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। बेटा वो बुलेट उस ब्लॉक के बीच में ही है और बुलेट तो रुक गई, लेकिन बेटा इस ब्लॉक को कुछ एनर्जी दे गई जिसकी वजह से ये ब्लॉक कुछ हाइट पे रेस हो गया। इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मींस ऑफ द थिन वायर, कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक इज रेस्ड, कैलकुलेट द हाइट, ऑल्सो एस्टिमेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, ऑल्सो एस्टिमेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखो, वो कह रहा है कि ये हाइट फाइंड करके दो जितनी हाइट पर ये ब्लॉक गया, ये हाइट फाइंड करके दो जितनी हाइट पर ये ब्लॉक गया और कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई ब्लॉक में, ठीक है। सो बेटा इनिशियली देखें, ये बुलेट जिसका मास 0.012 केजी है, इसकी स्पीड थी 70 मीटर पर सेकेंड, ये इस वुडन ब्लॉक में एम्बेडेड हुई और बुलेट तो रेस्ट पे आ गई लेकिन ये ब्लॉक मूव करने लग पड़ा, ठीक है। अब अगर इनिशियली बात करें, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना लिखेंगे बेटा, m इंटू यू प्लस कैपिटल m इंटू जीरो, क्योंकि बेटा इनिशियली तो ये सिर्फ बुलेट मूव कर रही थी, ये ब्लॉक तो मूव कर ही नहीं रहा था। सो सिर्फ मोमेंटम किसका आएगा, इस बुलेट का, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो बेटा जीरो है, इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम आ गया हमारा एम यू और फाइनल मोमेंटम हमारा सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना लिखेंगे बेटा, बुलेट इसके अंदर है, ठीक है जी, और ये एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है। सो मोमेंटम कितना हो गया बेटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक मूव्स। बेटा सबसे पहले तो हम ये वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए बेटा अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मोमेंटम को जब हमने कंजर्व करेंगे तो बेटा हमारा एम यू किसके इक्वल होगा बेटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी के। यहां से हमारे इस ब्लॉक की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये ब्लॉक मूव करने लगा है उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, इसकी वेलोसिटी आएगी m into u divided by capital M plus small m, ठीक है बेटा। अब m की वैल्यू कितनी थी, small m की वैल्यू 0.012, 0.012 into बेटा 70, डिवाइड में बेटा 0.012 plus 0.4, 0.412, ठीक है बेटा, 0.012 into 70, small m into u को मल्टीप्लाई किया डिवाइड में, m प्लस स्मॉल m,
कैपिटल एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बुलेट, सो 0.412, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आपकी वेलोसिटी आएगी 2.04 मीटर पर सेकेंड, 2.04 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? अब बेटा ये तो वेलोसिटी मिल गई इस ब्लॉक को, अब लेकिन उसने तो हमसे पूछी थी ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट कितनी है। इस हाइट को फाइंड करने के लिए बेटा हम टोटल एनर्जी की कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर इस हाइट को फाइंड करना है बेटा याद करो इस पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वही उस पॉइंट पे जाकर क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इस ब्लॉक को जितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, सो बेटा इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही उस पॉइंट पे जाके क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो हम अप्लाई कर देते हैं हाफ बेटा काइनेटिक एनर्जी इसकी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, वी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इंटू एच बेटा। अच्छा बेटा एम प्लस एम कैंसल, हमें चाहिए हाइट, हाइट किसके इक्वल होगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और बेटा v की वैल्यू 2.04, 2.04 का स्क्वायर डिवाइड में बेटा 2, और g की वैल्यू बेटा 9.8, इसको सॉल्व कर लो बेटा आपकी हाइट आ जाएगी आपके पास, जब इसको सॉल्व करोगे आपकी हाइट आएगी आपके पास। अच्छा उसने पूछा हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, बेटा हीट प्रोड्यूस होगी जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो हमारे पास हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी में लॉस, बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस केस में बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बेटा हाफ और बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू वी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपके पास स्मॉल एम की वैल्यू है 0.012, हाफ 0.012 इनटू यू स्क्वायर, बेटा यू कितना था आपका 70 का स्क्वायर, बेटा ये आपकी आएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ बेटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट 0.012 एंड द मास ऑफ द ब्लॉक 0.4 केजी, बेटा टोटल कितना हो गया 0.412, और बेटा वी की वैल्यू हमारे आई थी बेटा 2.04, इस 2.04 का स्क्वायर कर दो, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लो आपकी कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई आपको पता लग जाएगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी यही प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यही प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके बेटा स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को देखो बेटा, इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी, सेकेंड और थर्ड बॉल जो है रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो बेटा इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। अब कोलिजन के बाद उसने कहा कि तीन केस पॉसिबल हैं, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, तीनों ही केसेस में लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व है, तीनों ही केसेस में लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व है, लेकिन उसने पूछा है कौन सा कोलिजन जो होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, कौन सा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। बेटा जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी वो कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। अब देखो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा तीनों बॉल्स आइडेंटिकल है इन मास, तीनों का मास सेम है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा तीनों केसेस में जिस केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी, जिस केस में इनिशियल एनर्जी के इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कोलिजन हमारा कौन सा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। सो तीनों केसेस में हम देखेंगे कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तीनों केसेस में हम ये फाइंड करेंगे
कि सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, और जिस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल इक्वल होगी उस केस में कहेंगे कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है बेटा, फर्स्ट केस देखो, ये बॉल, फर्स्ट बॉल तो रुक गई, और सेकेंड और थर्ड बॉल दोनों एक साथ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी वी बाय टू। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी हुई बेटा, दोनों का मास सेम, m प्लस m, 2m, हाफ इंटू 2m, और बेटा कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, v बाय टू। सो बेटा v स्क्वायर बाय 4, बेटा 2 के साथ 2 कैंसल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई m v स्क्वायर बाय 4, m v स्क्वायर बाय 4। बेटा इसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, आंसर कितना आया बेटा, m v स्क्वायर बाय 4। अब अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर बाय 4 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की थी हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल सी बात है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा कम है, सेम नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी इस केस में तो कंजर्व रही नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो ये कौन सा कोलिजन हुआ, ये हुआ इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। अब सेकेंड केस को देखो ध्यान से, फर्स्ट और सेकेंड बॉल वो तो दोनों रुक गई, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बॉल तो दोनों रुक गई, थर्ड बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी, और थर्ड बॉल का मास कितना बेटा, एम। सो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इस केस में, सेकंड केस में सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम है, तो सेकेंड केस में बेटा हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही, सेकेंड केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि जो सेकेंड केस है ये कौन सा कोलिजन हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्यों कह रहे हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है इसलिए कह रहे हैं सेकेंड केस में। मोमेंटम तो तीनों केसेस में कंजर्व है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड केस में देखो, तीनों बॉल्स एक साथ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी वी बाय थ्री, तीनों बॉल्स एक साथ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी वी बाय थ्री, तो बेटा सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम कितनी लिखेंगे बेटा, हाफ, तीनों का मास कितना हो गया बेटा, एम प्लस एम प्लस एम, 3m, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है बेटा, वी बाय थ्री। सो बेटा वी स्क्वायर बाय 9, ठीक है बेटा, और 9 के साथ ये 3 कैंसिल हुए बेटा, यहां 3 आ गया, 3 इंटू 2, 6। सो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई एम वी स्क्वायर बाय 6, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई एम वी स्क्वायर बाय 6। ठीक है बेटा, सो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर सिस्टम की, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, एम वी स्क्वायर बाय 6, इक्वल नहीं आई बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारी इस कोलिजन में कंजर्व नहीं रही। तो ये कौन सा कोलिजन हुआ, थर्ड केस में जो कोलिजन है वो है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, एक बार ध्यान से दोबारा देख लो, कोलिजन से पहले सिस्टम की इनिशियल एनर्जी हमने देखी हाफ एम वी स्क्वायर, कोलिजन के बाद तीन केस हमारे पास हैं, हमने ये पता करना था किस केस में हमारा जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बेटा फर्स्ट केस में इन इलास्टिक कोलिजन, क्यों, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है। सेकेंड केस में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल इक्वल है, एनर्जी हमारी कंजर्व रही, काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रही। ठीक है, और थर्ड केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई बेटा एम वी स्क्वायर बाय 6, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही नहीं, इसलिए हम कहेंगे कोलिजन कौन सा है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, बेटा इस क्वेश्चन में देखो, एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, टू इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये दोनों फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीपर। ठीक है बेटा, एक ज्यादा इंक्लाइन है एक कम इंक्लाइन है, मीट एट ए फ्रॉम टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट, सो इन दोनों की इनिशियल स्पीड बेटा 0, वन ऑन ईच ट्रैक। ठीक है, एक इस ट्रैक पे स्लाइड डाउन करवाया, एक इस ट्रैक पे स्लाइड डाउन करवाया, विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, क्या ये दोनों स्टोन जब नीचे बॉटम पे आएंगे बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे सेम टाइम में आएंगे, और जब दोनों नीचे आएंगे क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, स्पीड सेम होगी, व्हाट आर द स्पीड्स एंड द टाइम टेकन बाय द टू स्टोन्स।
ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, उसने पूछा कि जब ये दोनों नीचे आए तो क्या दोनों को नीचे आने में सेम टाइम लगा, और अगर ये दोनों नीचे आए क्या दोनों की स्पीड सेम है। बेटा एक चीज याद करो, पोटेंशियल एनर्जी ही इस पॉइंट पे, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इस पॉइंट पे जाकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वही इस पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ए पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बेटा एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे हाफ एम वी बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बेटा एम के साथ एम कैंसिल, वी बी किसके इक्वल आएगा, वी बी इक्वल आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। ठीक है बेटा, अब C पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट C पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट C पॉइंट। बेटा A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगेन mgh, काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट पे हाफ एम वी सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, m के साथ m कैंसिल, सो बेटा वी सी कितना आया अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। अब देखो बेटा हाइट तो सेम है, सो इसका मतलब vb और vc दोनों क्या होंगे इक्वल, एज h इज सेम देयरफॉर vb इज इक्वल टू vc, मतलब दोनों ही स्टोन जब बॉटम पे आएंगे, दोनों ही स्टोन जब बॉटम पे आएंगे सेम स्पीड के साथ स्ट्राइक करेंगे, दोनों ही स्टोन जब बॉटम पे आएंगे सेम स्पीड के साथ स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हाँ बेटा टाइम दोनों को अलग अलग लगेगा, दोनों को टाइम अलग अलग लगेगा। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ बेटा याद करो, v किसके इक्वल u प्लस at के, v किसके इक्वल u प्लस at के, दोनों की इनिशियल स्पीड जीरो। अच्छा इस केस में एक्सीलरेशन इसको कितनी मिल रही होगी, देखो बेटा इसका वेट किधर को एक्ट करेगा डाउनवर्ड में, ठीक है, और इस वेट का इस साइड को कंपोनेंट कौन सा गया थीटा वन, सो ये भी एंगल हुआ थीटा वन बेटा एम जी कॉस थीटा वन। ठीक है, और इस साइड को कंपोनेंट कितना गया एम जी साइन थीटा वन। ठीक है, इसका मतलब ये ब्लॉक, ये बॉल जो नीचे को आ रही है किस एक्सीलरेशन के साथ आ रही है, इसको कितनी एक्सीलरेशन मिली, इसको एक्सीलरेशन मिली जी साइन थीटा वन। सिमिलरली बेटा इसको कितनी एक्सीलरेशन मिलेगी, इसको एक्सीलरेशन मिलेगी जो इस इंक्लाइन प्लेन पे है, इसको एक्सीलरेशन मिलेगी बेटा जी साइन थीटा टू। ठीक है बेटा, इस वाली बॉल को एक्सीलरेशन मिलेगी जी साइन थीटा टू, इसको एक्सीलरेशन मिलेगी जी साइन थीटा वन। ठीक है, अब देखो अगर टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम किसके इक्वल आएगा वी डिवाइडेड बाय ए के, यू जीरो टाइम किसके इक्वल वी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब फर्स्ट केस की बात करें टाइम कितना लगेगा, v डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन कितनी बेटा g साइन थीटा 1, g साइन थीटा 1। सेकेंड केस में कितना टाइम लगेगा, v डिवाइडेड बाय g साइन थीटा 2। ठीक है, सेकेंड केस में टाइम लगेगा v डिवाइडेड बाय g साइन थीटा 2, फर्स्ट केस में टाइम लगेगा g v डिवाइडेड बाय g साइन थीटा 1। क्लियर, तो बेटा अब देखो v सेम g सेम, v सेम g सेम, दोनों ही केसेस में जब नीचे स्ट्राइक करेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g g सेम, बेटा फर्क इसमें आया थीटा वन और थीटा टू में, इसका मतलब जो टाइम है t1 वन बाई टी टू किसके इक्वल होगा साइन थीटा टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा वन। t1 वन बाई टी टू किसके इक्वल होगा बेटा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1, इसका मतलब जिसकी इंक्लिनेशन कम होगी, जिसकी इंक्लिनेशन कम होगी, ठीक है, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा साइन थीटा के, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, सो जिसकी इंक्लिनेशन बेटा कम हुई उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसकी इंक्लिनेशन ज्यादा हुई, जिसकी इंक्लिनेशन ज्यादा बेटा साइन थीटा की वैल्यू भी ज्यादा, जिसकी इंक्लिनेशन कम साइन थीटा की वैल्यू भी कम।
अगर साइन थीटा की वैल्यू कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा,